लोहारू कंकाल मामले में पुलिस पर लगे आरोपों पर नू के एसपी वरुण सिंगला ने इंडिया न्यूज से बातचीत की, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर नू पुलिस की कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने कहा कि एएसपी उषा भी इस मामले में अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं नूह के एसपी वरुण सिंगला जी, उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला, क्योंकि अब हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच ये मामला आ गया है और कहीं ना कहीं विवाद अब ये बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में हम बात करेंगे सर, ये जो मामला है पूरा, हालांकि जो अपहरण का मामला था या गुमशुदगी का मामला था वो राजस्थान में था, शव लोहारू मिले, लेकिन सुई इस पूरे मामले की अब कहीं ना कहीं नूह पर आ गई है। आरोप ये भी लगाया गया कि इस मामले में फिरोजपुर झिरका के जो CIA है उनके द्वारा भी कुछ मारपीट की गई थी, ये उसके परिवार का आरोप लगाया जा रहा है कि वो थवैले थाने में ले जाया गया था, थाने ने नहीं रखा तो उनको कहीं और ले जाया गया। इसको लेकर के कोई अभी तक इस मामले में जांच या कोई बात आप कहते हैं? देखिए, इस संबंध में राजस्थान पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पूरी तरह से इसमें छानबीन कर रहे हैं और हम उनके साथ उनकी जाँच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। जिसके भी उन्हें स्टेटमेंट हमारी टीम से दर्ज करने हैं उनको वो अपने स्वयं कर रहे हैं और हमारा पूरा कोऑपरेशन उनके साथ है। फिर भी मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस की किसी भी यूनिट की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर हल्की अगर हमारी कुछ भी इसमें नेग्लिजेंस भी पाई जाएगी किसी भी ऑफिशियल की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में हमने अपनी भी एक हमारे गैजेट ऑफिसर एडिशनल SP नू के अंदर हमने एक जाँच के लिए आदेश किए हैं, जिसमें वो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई जांच करते हुए सभी तथ्यों की जो भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनकी फैक्ट फाइंडिंग करके उसमें जो भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की नेग्लिजेंस की भी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके रिपोर्ट हमारे पास भेजेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये बात कहेगी कि यहाँ था पहले वो, उसको जो परिवार ने लिखा है कि फिरोजपुर जिरका था, तो ऐसे में क्या कोई CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के इस तरह के कुछ टोल प्लाजा या कहीं के आपके द्वारा भी, हालांकि राजस्थान पुलिस इसकी जाँच करिए, लेकिन आपके द्वारा कुछ? जी बिल्कुल, राजस्थान पुलिस भी इस संबंध में पूरी तरह जांच कर रही है और सभी तरह के टेक्निकल जो साक्ष्य हैं उनके गंभीरता से जांच की जाएगी। एक और मामले पे जानना चाहेंगे, श्रीकांत जो कि इस मामले का आरोपी भी है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके परिवार ने एक आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जो है राजस्थान पुलिस के कुछ लोग और अन्य कुछ लोग थे, उन्होंने बर्बरता करी है, मारपीट करी है, एक महिला अस्पताल में भर्ती है श्रीकांत की पत्नी जिसके बच्चे की मौत हुई, ये आरोप लगे हैं, इसको लेकर कोई शिकायत आपके पास आई और क्या कुछ इसमें? जी, इस संबंध में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी थाना नगीना में, जिसके ऊपर जाँच हमारी एक पुलिस टीम द्वारा जाँच की जा रही है। इसमें महिला के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी अभी आना बकाया है, तो मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर की ओपिनियन के बाद इसमें हम आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अंत में एक बार जानना चाहेंगे, जब श्रीकांत के घर वो गए थे, क्योंकि जिस तरह का प्रोसीजर भी होता है राजस्थान पुलिस या कोई भी राज्य के या जिले के दूसरे में जाते हैं तो बताते हैं, तो क्या उस दिन जब श्रीकांत के घर गए तो क्या हरियाणा पुलिस भी साथ में थी उसकी उस मामले में कोई? देखिए, इस संबंध में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है और इस संबंध में भी, क्योंकि हमारी जो टीमें जांच कर रही हैं वो भी इसकी जांच भी करेंगी, कौन कौन साथ में थे उनके भी बयान इसमें लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, भले ही ये मामला राजस्थान का है, राजस्थान पुलिस ने FIR दर्ज करी है और इस मामले में क्योंकि जो मृतक हैं वो राजस्थान के थे और बाकायदा इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उनका सहयोग भी किया जाएगा और बाकायदा जिस तरीके के आरोप अब हरियाणा पुलिस पर लगाए गए हैं मृतक के परिवार के द्वारा, उसको लेकर के भी एक कमेटी गठित की गई है। नू से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।